जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024-25। जी हां साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये पेंशन जो है साथियों ये अटकी हुई है। बिल्कुल दीपावली का त्यौहार भी आ चुका है लेकिन पेंशन के पैसे खाते में नहीं आए हैं। इसको लेकर के बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। लोग जो हैं बैंकों में चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी पेंशन अभी तक नहीं आ पा रही है। कुछ कैंडिडेटों की पेंशन के पैसे आ चुके हैं, कुछ कैंडिडेटों के नहीं आए हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। जो नई अपडेट सामने आई है, कितने महीने की पेंशन अटकी हुई है, किन किन लोगों की पेंशन अटकी हुई है, सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो नई अपडेट आई है पेंशन को लेकर के उसकी चर्चा कर लेते हैं, एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024-25, दीपावली आ गई लेकिन पैसा नहीं आया है। भाई त्यौहार का टाइम चल रहा है, त्यौहार आ चुका है, खरीदारी करनी है, सामान लाना है लेकिन पैसे ही नहीं आए हैं। ठीक है, बिल्कुल वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये तीनों ही पेंशन अटकी हुई है। महिला पुरुष बच्चे सब बच्चों को भी पेंशन मिलती है कि और के छोटा टाबर विकलांग होगा तो पेंशन कौन मिलेगी के? बिल्कुल मिलेगी साहब। ताजा खबर, 3 महीने की पेंशन अटकी हुई है, ये पेंशन अभी तक नहीं आई है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेंशन का इंतजार करते करते 3-4 महीने गुजार चुके हैं लेकिन अभी तक उनका पैसा उनके खाते में नहीं आया है साहब। अब दीपावली आ गई और जो भी बूढ़ी माई दादी वे बेचारी अपना पोता ने सामान दिवाऊंगी, पटाखा ले आऊंगा, फलाना ले आऊंगा, चीजा ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा, कढ़ाई से ले आऊंगा, पेंशन तो आई कौन है, समझ रहे हो? तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अब देखो फटाफट से मैं आपको जो खबर आई है वो मैं खबर आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो साहब, ये है श्री गंगानगर भास्कर की 25 अक्टूबर 2024 की ताजा खबर है। इसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं साहब। इसमें जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, दीपावली आ गई लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई है। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ के 2 लाख गरीबों का और 3000 युवाओं के चेहरों पर मायूसी छा चुकी है। मायूसी इसलिए छाती है कि पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, खाते खाली पड़े हैं। अब त्यौहार के टाइम में कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मायूसी अपने आप ही आ जाती है। जब बच्चों को हम त्यौहार के ऊपर नए कपड़े दिला देते हैं, पटाखे वगैरह दिला देते हैं, मिठाई दिला देते हैं तो उनकी खुशी और भी बढ़ जाती है, लेकिन उन बच्चों को अगर हम कुछ भी नहीं दिलाएं तो उनके चेहरे मायूस हो जाएंगे, सूने बैठ जाएंगे वो, समझ रहे हो? इसी प्रकार से ये है। बेरोजगारों के 46 करोड़ और जरूरतमंदों के 68 करोड़ रुपए अटक चुके हैं। एक तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं आ रहा है, दूसरी पेंशन भी नहीं आ रही है, दोनों ही जगह यहाँ पर मायूसी हो चुकी है। अब देखो दीपावली का त्यौहार नजदीक है, प्रदेश भर में लोग दीपोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने की भी तैयारी कर ली है ताकि वे मिठाई ला सके, कपड़े ला सके, अपनों के लिए उपहार और पटाखों की खरीदारी कर सके। मगर खुशियों के इस सबसे बड़े त्यौहार पर 2 वर्ग ऐसे भी हैं जो आर्थिक तंगी के कारण मायूस है। इनमें एक वर्ग तो उन बेरोजगार युवाओं का है जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप करते हुए सरकारी विभागों में हर दिन 4 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। इन्हीं सरकार से मिलने वाला भत्ता अभी तक नहीं मिला है साहब। एक तो जो बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले रहे हैं उनको भी बेचारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, इसमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं, दूसरा वर्ग है सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले लोगों का, जिसमें वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और कृषक वृद्धजन पेंशन लेने वाले 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हैं। ये 1.5 लाख तो सिर्फ गंगानगर के ही हैं, तुम ये मत समझना कि सब पूरा ही राजस्थान में 1.5 लाख, ना, ये सिर्फ गंगानगर जिले के ही हैं। 1.5 से 2 लाख तो इनको पेंशन नहीं मिल रही है, इनको 2-3 महीने की पेंशन खाते में नहीं आ रही है। इनको न्यूनतम 1150 रुपए पेंशन के हिसाब से करीब 52 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, ये सारी चीजें आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार श्री गंगानगर अनूपगढ़ जिले में 1,97,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं। पहले इन्हें न्यूनतम 1,000 रुपए मिलते थे लेकिन अब अप्रैल से सरकार ने 1,150 रुपए कर दिए हैं। बिल्कुल अब 1,150 रुपए मिलते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को जून माह तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी मिला है। जुलाई से सितंबर माह की पेंशन लाभार्थी के खाते में नहीं आ रही है, यानी कि देखो जुलाई, अगस्त और सितंबर
ये जो है 3 महीने इनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं बहुत सारे कैंडिडेटों के। न्यूनतम पेंशन राशि के हिसाब से 68 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। अब ये जो खबर है थोड़ी सी मैं और बताऊं आपको, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पेंशन राशि का भुगतान जयपुर स्थित वित्त विभाग की ओर से सीधे ही लाभार्थी के खाते में किया जाता है। यानी कि पेंशन तो जयपुर से ही डाली जाती है। आपकी पेंशन कहां से डाली जाती है साहब? जयपुर से ही डाली जाती है। अब जयपुर वाले जब इसको डन करते हैं तभी आपके खातों में पेंशन आती है। ठीक है जी, इसके लिए सभी चयनितों के बिल हर महीने कोष कार्यालय को भिजवाए जा रहे हैं। बकाया बिलों का भुगतान जयपुर स्तर से ही होना है। स्थानीय स्तर पर पेंशन भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि भुगतान तो आपका जयपुर से ही होना है साथियों। अब जयपुर से जब आपकी पेंशन जारी होती है तभी आपके खातों में आती है, इससे पहले नहीं आती है। चाहे आप किसी भी ऑफिस में चक्कर काट लो, कहीं भी कार्यालयों में चले जाओ, कहीं भी बैंकों में चले जाओ, वो पैसे नहीं डाल सकते हैं। पैसे तो आपके जयपुर से ही डलेंगे। जो भी पेंशन की राशि है वो जयपुर से ही डाली जाएगी, तभी आपके खातों में पैसे आएंगे साथियों। ठीक है जी, तो बात यह है कि अब आप बैंकों में चले जाते हो तो वहां पर सिर्फ आप पैसे चेक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो पैसे चेक ही कर सकते हो, भाई आई कि ना पेंशन, देख तो आवा, चक्कर तो लगाए आवा दो चार, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है। अब पेंशन जयपुर से ही नहीं डल पा रही है तो पेंशन आएगी भी नहीं। अगर जयपुर से पेंशन के पैसे पास हो जाते हैं तो सभी के खातों में आ जाएगी भाई। तो अब तो कुछ नहीं कर सकते भाई, जब जयपुर वाले डालेंगे ना कार्यालय वाले, तभी ये पेंशन आपके खातों में पहुंचेगी। इसलिए आप अपने, हाँ ये है, बैंक में आपका कोई भी काम अटका हुआ है तो उसको आप कंप्लीट रखिएगा। जैसे भाई केवाईसी वगैरह है, आधार की केवाईसी, उसको आप करवा लीजिए, 10 रुपए लगते हैं। ठीक है, और भाई कोई मोबाइल नंबर जुड़वाना है तो मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं, जिससे मैसेज वगैरह आ सके आपके फोन में। ये चीजें आप कर सकते हैं और बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जयपुर से पैसा पास नहीं होगा तब तक आपकी पेंशन नहीं आ सकती। अब बात ये करें कि सब कब तक पैसे आ जाएंगे, तो देखो भाई और तो बाकी जो कर्मचारी हैं उनके तो 30 अक्टूबर को पैसे डाल दिए जाएंगे। ठीक है जी, उनके तो 30 अक्टूबर को पैसे डाल दिए जाएंगे। अब बात अपनी आती है कि साहब हमारे कब आएंगे, तो आपके भी अगर 30 अक्टूबर तक पैसे आते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है। अगर आप 30 अक्टूबर को भी पैसे नहीं आ रहे हैं तो भाई लास्ट 31 है, उसके बाद में तो फिर अब पता नहीं कब डालें कब नहीं डालें। लेकिन 30 अक्टूबर को जो सरकारी कर्मचारी हैं सारे के सारे, उनके पैसे आएंगे तो हम 30 अक्टूबर तक का ही इंतजार और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन की बात है, 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें, फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे क्या खबर आती है क्या नहीं आती है। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जो भी वीडियो मैंने बताई है इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई आपके पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, जयपुर से ही पास नहीं हो रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं साहब पेंशन के पैसे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।